subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. गुड मॉर्निंग बच्चों, इंग्लिश ग्रामर में आज हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन टैग्स के बारे में। अब ये क्वेश्चन टैग्स क्या है? क्वेश्चन टैग्स आर शॉर्ट एडिशन टू सेंटेंसेस टू आस्क फॉर कंफर्मेशन ऑफ समथिंग वी आर नॉट श्योर अबाउट और टू आस्क फॉर एग्रीमेंट। यानी क्वेश्चन टैग का प्रयोग हम स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकते, ये किसी वाक्य का एक छोटा अंश होगा और ये किसी वाक्य के अंत में जाकर के लगेगा और वो अंत में लग करके उस सेंटेंस के कंफर्मेशन को निकालेगा। जैसे समझिए, यू नो राम, तुम राम को जानते हो, और पीछे देखिए जो ब्लैंक देख रहे हैं आप, डॉट यू लगा हुआ, यही आपका क्वेश्चन टैग है। अर्थ क्या होता है अभी समझाते हैं। ही वेंट टू दिल्ली, और ये जो ब्लैंक आप देख रहे हैं डिनर ही, यही आपका क्या है? क्वेश्चन टैग। अब समझिए क्वेश्चन टैग कंफर्मेशन कैसे निकालता है। यू नो राम, आप राम को जानते हो, और ये जो लास्ट में लगा हुआ है इसका हिंदी निकलेगा ना। क्वेश्चन टैग कितना भी रहेगा उसका हिंदी क्या निकलेगा? ना। जैसे तुम राम को जानते हो ना, उसी प्रकार से वह दिल्ली गया ना। तो यहाँ पर देखिए जो क्वेश्चन टैग उसका क्या निकलेगा? ना। वह दिल्ली गया ना, तुम राम को जानते हो ना। इसका मतलब क्या है? वो पूछ रहा है कि क्या तुम राम को जानते हो या नहीं जानते। तो क्या हुआ? कंफर्मेशन निकाल रहा है। वे दिल्ली गए हैं ना, तो दिल्ली गए कि नहीं गए पता नहीं, वो पूछ रहा है वे दिल्ली गए हैं कि नहीं गए। तो ये क्या करेगा कि क्वेश्चन टैग जो है सेंटेंस में आकर के सेंटेंस के कंफर्मेशन को लिखा देगा। और ये जो क्वेश्चन टैग हम यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए ये जो ब्लैंक आप देख रहे हैं ये क्या है? ये क्वेश्चन टैग। और ये क्वेश्चन टैग बनता कैसे है उसका पैटर्न देखिए। क्वेश्चन टैग को बनाने के लिए जितने भी 24 हेल्पिंग वर्ब है यानी इनेंडस फिनाइट्स और इनेंडस फिनाइट्स यानी हेल्पिंग वर्ब, इसको आप सीधा समझिए, हेल्पिंग वर्ब और प्लस नोट, उसके कंट्रैक्टेड फॉर्म का प्रयोग होता है। जैसे अगर इनेंडस फिनाइट डू है यानी हेल्पिंग वर्ब डू है और प्लस नोट है, तब हम यहां पर यूज करेंगे डोंट का, जो यहां पर देखने लगा हुआ है। उसके बाद डज नॉट है तो हम यूज करेंगे डजंट का। उसके बाद देखिएगा डिड नॉट है तो हम यूज करेंगे डिडंट का। आई नॉट है तो यूज होगा आरंट आई, और इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क करिएगा। इज नॉट का इजंट नॉट, इजंट होगा इजंट नॉट, नहीं इजंट। आर नॉट का आरंट, बार नॉट का बाजेंट, बेयर नॉट का बेयर, हैड नॉट का हैजेंट, हैव नॉट का हैवेंट, हैड नोट का हैडेंट। उसी प्रकार देखिएगा साइड नोट का होगा स्टूडेंट, बिल नोट का होगा बाउंड, कैन नोट का कैंट, फूड नोट का स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर फूड पड़ेगा या साइड रहेगा, क्या पड़ेगा? फूड। उसके बाद मेन नोट का मेन, माइट नोट का माइटेंट, सूट पड़ेगा या यहाँ भी साइड रहेगा तो स्टूडेंट हो जाएगा। क्वेश्चन टाइप को बनाने के लिए 24 हेल्पिंग वर्ब और उसके नॉट लगा हुआ जो है उसका कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म ये हो गया। इसमें ज्यादा कुछ नहीं आपको करना है, ध्यान दीजिएगा केवल इतना ही, जो यन और टी के बाद ये वो है उसको हटा कर क्या डालिएगा, पेपर स्टॉप ही डाल दीजिएगा ऊपर में। लेकिन इसमें कुछ चीज ऐसा है जो चेंज होता है, उसका तीन को खाली याद कर लीजिएगा। एक एम आई नोट का एमंट नहीं होकर के आरंट हो जाता है, एक याद रखिए, साइल का साइलेंट नहीं होकर के स्टूडेंट हो जाता है, दो याद रखिए, और बिल का पाउंड हो जाता है, तीन आ गए। बाकी सब का तो ये देखिए, कैन तो कैन ही, नोट में जो वो है हटाइए और एपोस्ट्रोफी लगा करके टी कर दीजिए, तुरंत है नोट में से वो हटाइए, एपोस्ट्रोफी करके टी लगाए, सब वही करिए, केवल आप तीन आ रख दीजिए अलग से, बाकी सबके साथ कुछ मत कीजिए, जैसा है वैसा ही लिख दीजिए, केवल नोट का जो फॉल्ट उसको सॉल्व कीजिए, नोट का सॉल्व क्या कीजिएगा इस प्रकार से बस हो जाएगा। बाकी हेल्पिंग वर्ब आगे लगा दीजिए, इसलिए वो डोंट डू नोट क्या करिएगा, नोट का ये हो गया आगे पूरी खाली डोंट हो गया, ठीक है। तो ये आसान हो जाएगा। अब देखिए समझिए, ये तो हो गया कि क्वेश्चन टैग बनाने में हम इतना का प्रयोग करें, कैसे प्रयोग करें, पैटर्न क्या है उसका। तो क्वेश्चन टैग का दो पैटर्न होगा, क्वेश्चन टैग के कितने पैटर्न होंगे? दो पैटर्न, ध्यान दीजिएगा।
क्वेश्चन टैग्स के पैटर्न यानी पैटर्न ऑफ क्वेश्चन टैग्स। क्वेश्चन टैग के दो पैटर्न को आप देखिए, पहला पैटर्न होगा पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लगा देना है और फिर क्वेश्चन मार्क लगाना है, और दूसरा क्या रहेगा। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब इसी को बोल रहे हैं जो 24 को एनेबल्स नाइट्स है उसी को हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। उसके बाद क्या लगाइएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस नाउन का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यानी कि ये वाला, और उसके बाद फिर आपको सब्जेक्ट लेना है और फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब नोट का कॉन्ट्रैक्टेड यह हो गया ना, हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट और उसके बाद सब्जेक्ट क्या था, यू, तो यू लगा हुआ है। फिर देखिए हेल्पिंग वर्ब डिड फिर नोट, तो डिड प्लस नोट और फिर सब्जेक्ट ही था, तो ही लग गया। अब ये जो दो पैटर्न है समझिएगा, क्वेश्चन टाइप के कितने पैटर्न, दो पैटर्न, एक हेल्पिंग वर्ब और एक सब्जेक्ट, एक हेल्पिंग वर्ब नोट और सब्जेक्ट। कब होगा, उल्टा होगा। समझिए अगर आगे का सेंटेंस ये बच्चा जो मेन सेंटेंस रहेगा, मेन स्टेटमेंट रहेगा, अगर असर्टिव में है तब यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा निगेटिव वाला क्वेश्चन है, और अगर मेन सब्जेक्ट मेन स्टेटमेंट जो है आपका निगेटिव है तब लगाना पड़ेगा असर्टिव वाला क्वेश्चन है। इसे समझिए, अगर एग्जाम्पल आप देते भी बनाने का तरीका नहीं बताया, अभी केवल पैटर्न हुआ बनाने का तरीका बताएंगे। अभी देखिए जैसे लिखा हुआ रहेगा सी डजंट डांस, और इसीलिए आपको क्वेश्चन टैग लगाना है। क्या लिखा हुआ है, सी डजंट डांस, वह नहीं नाचती है। कंफर्मेशन क्या होगा, वह नहीं नाचती है ना, तो अगर ना का मीनिंग देंगे तो ना का मीनिंग क्या लगेगा, क्वेश्चन टैग। अब कैसा क्वेश्चन टैग लगेगा, पैटर्न तो दो हुआ है, तो अगर आगे में निगेटिव है तो आप ये पैटर्न यूज कीजिए, पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन है, डज, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, सी, और अगर आगे में असर्टिव रहेगा जैसे आप वहां देख रहे थे, लेकिन और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे ही इज अ फार्मर, वह एक किसान है, और यहाँ क्वेश्चन टैग लगा, वह एक किसान है ना। अब ना का क्या लगेगा, देखिए कौन सा स्टेटमेंट आ गया, असर्टिव, अगर असर्टिव है तो आप ये पैटर्न लागू कीजिए, हेल्पिंग वर्ब कौन है, हेल्पिंग वर्ब, और फिर प्लस नोट। अब देखिए इज प्लस नोट क्या होता है, इजंट, तो कर दीजिए इजंट, और फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है। तो क्वेश्चन टैग बनाना ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस दो ही बात आप रखिए, असर्टिव स्टेटमेंट को क्वेश्चन टैग निगेटिव, निगेटिव स्टेटमेंट को क्वेश्चन टैग असर्टिव। ठीक है, अब कब कब यूज करना है उसको हम लोग देखेंगे, पहले यहाँ तक आप नोट कीजिए। देखिए क्वेश्चन टैग का पैटर्न हो गया, क्वेश्चन टैग में कौन कौन सा 24 हेल्पिंग वर्ब और नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लगेगा वो हो गया। अब देखिए रूल्स क्या है क्वेश्चन, अगर मूल कथन यानी जो मेन स्टेटमेंट है वो अगर पॉजिटिव में रहेगा, असर्टिव में रहेगा, तो आप निगेटिव क्वेश्चन टैग लगाइएगा, निगेटिव क्वेश्चन टैग मतलब पैटर्न नंबर टू लगाइएगा, और अगर मूल कथन मेन स्टेटमेंट निगेटिव में होगा तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग यानी रूल नंबर आप वन लगाइएगा। अब एग्जाम्पल समझिए, वह चोर था ना, तो ये जो मूल कथन है मेन स्टेटमेंट है वो क्या है, पॉजिटिव, वह चोर था, और कन्फर्मेशन ले रहा है ना, तो यही तो है आपका क्वेश्चन टैग। कैसे बनाएंगे इसको, देखिए हिंदी और इंग्लिश में दोनों याद रखिएगा, ट्रांसलेशन में भी आप इसको यूज कर सकते हैं और ग्रामर में भी। कैसे देखिए, पहले बनाइए वह चोर था, तो क्या हो जाएगा, ही वाज अ थीफ, यही आपका कहलाएगा मूल कथन स्टेटमेंट। अब इसमें क्वेश्चन टैग लगाइए, क्या कहता है, अगर पॉजिटिव हो तो निगेटिव क्वेश्चन टैग, कौन है निगेटिव क्वेश्चन टैग, दूसरा नंबर दीजिए, पहले हेल्पिंग वर्ब, कौन है हेल्पिंग वर्ब, वाज, उसके बाद प्लस नॉट, देखिए वाज प्लस नॉट होता है तो वाजेंट हो जाता है, तो वाजे, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, और लास्ट में क्वेश्चन, यही आपका क्वेश्चन टैग, यही क्या है क्वेश्चन टैग। और देखिए वे लोग नहीं जा रहे थे ना, तो ये लोग नहीं जा रहे थे ये मूल कथन है और ये निगेटिव है, तो अब इसको पहले बनाइए, तो मूल कथन को पहले बनाइए, क्वेश्चन टैग बाद में देखते हैं। दे वेयर नहीं का नोट, देखिए वेयर नोट को एक साथ वेयर मिट भी लिख सकते हैं, उसके बाद जा रहे थे तो गोइंग, दे वेयर गोइंग, मूल कथन किस में आ गया, निगेटिव में, क्या लगाइएगा, पॉजिटिव क्वेश्चन टैग। देखिए
पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन है? वे आ गया। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? दे। और मार दीजिए क्वेश्चन मार्क, यही आपका हो गया क्वेश्चन। तो इंग्लिश ग्रामर में देखिएगा तो यहाँ तक दिया हुआ रहेगा, ये भरना रहेगा, यहाँ तक दिया हुआ रहेगा, ये भरा भरना। और ट्रांसलेशन अगर दे दिया था तो पूरा भरना पड़ेगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से आपको बता दिया गया है। अब इसको जरा ऑप्शन बनाने एक देखिएगा एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखिए यू है ब्रोकन माई पेन, खाली स्थान को चटेगा, इसमें भरना है आपको, क्या भराएगा? हैव यू, हैव आई बीन यू, हैव आई बीन ही या नॉट ऑफ। अब ध्यान दीजिए मूल कथन किसमें है? पॉजिटिव में। अगर मूल कथन पॉजिटिव है तो पैटर्न क्या लगाना है? हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट। देखिए हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैव। उसके बाद प्लस नॉट, तो जब हैव के साथ नॉट जुड़ता है तो क्या बनता है? हैवन। और उसके बाद सब्जेक्ट कौन है? यू। तो यहाँ पर यू लगेगा। अब देखिए कौन सा है? बी नंबर हो गया। अब सुनिए तो क्वेश्चन टैग में खाली आपको इतना ही जोड़ना है, ये पहला रूल हो गया, अब रखिए इसको। दूसरा रूल देखिएगा, जब मूल कथन का सब्जेक्ट कोई पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन याद रखिएगा आई वी यू ही सी इट और दे रहेगा, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट वही होगा, वही मतलब जो सब्जेक्ट लगा हुआ रहेगा मूल कथन। लेकिन अगर सब्जेक्ट जो है नाउन रहेगा तो नाउन के अनुसार आपको ही सी ईट और दे में से कोई एक लगाना, ये समझिए। क्वेश्चन टैग का पैटर्न क्या है? अगर मूल कथन पॉजिटिव है तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग, यानी कि आपको नंबर टू यूज करना, और अगर मूल कथन नेगेटिव हो तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग नंबर वन यूज करना। अब दोनों क्वेश्चन टैग के लास्ट में देखिए क्या लगा हुआ है, सब्जेक्ट लगाइएगा, कौन सा सब्जेक्ट। तो अगर पर्सनल प्रोनाउन है तो सब्जेक्ट को नहीं लगा, और अगर नाउन है तो नाउन के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा ही सी इट और दे। ही कब लगेगा? जैसे यहां पर देखिए कर दे सोहन आया थाना, तो सोहन क्या हो गया? नाउन, लड़का है, एक वचन है, वो कब आप लगाइएगा? ही। लेकिन यहां पर कर दिए मान लो कि राधा आई थी ना, तो राधा एक वचन, लड़की है, तो हम क्या लगाएंगे? सी। दे का प्रयोग कब करेंगे? जब यहाँ पर कोई बहुवचन आया हुआ होगा, बहुवचन मतलब दो नाम, तीन नाम, जैसे राम और श्याम आए थे ना, दो नाम हो गया, तो क्या लगाइएगा? तो ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैं शिक्षक हूँ ना, सबसे पहले क्या आपको बनाना है? ट्रांसलेशन के लिए आप रखिएगा सबसे पहले मूल कथन को बनाइए, ये जो ना है वही आपका क्वेश्चन टाइप है, उसको बाद में देखिएगा। मैं शिक्षक हूँ क्या बनेगा? आई एम टीचर, हो गया। सोहन आया था, इसको बनाइए सोहन के, सोहन के कौन टेंस में बना? सिंपल पास्ट में, सब्जेक्ट वर्ब का दूसरा। अब लगाइए क्वेश्चन भाई, नहीं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन पे क्या लगेगा? पहले देखो मूल कथन किसमें है? पॉजिटिव, तो नेगेटिव क्वेश्चन टैग ये वाला लगेगा। हेल्पिंग वर्ब देखिए कौन सा है? आई और प्लस नोट, अब आप कीजिए आई नोट जुड़ करके आरंभ हो जाता है, तो लिखेंगे आरंभ आई, हो गया। अब देखिए सोहन के, ये भी पॉजिटिव है, अब लगेगा क्या? नेगेटिव क्वेश्चन टैग, नेगेटिव में क्या? हेल्पिंग वर्ब। अब देखिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, कहाँ है हेल्पिंग वर्ब? तो आप हेल्पिंग वर्ब खुद समझिएगा कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब रखता है डेड, करता है डेड, तो लगाइए डेड। उसके बाद नोट, तो डिडन, और सब्जेक्ट आप देखो, समझो सब्जेक्ट है सोहन, सब्जेक्ट है नाउन, और नाउन के अनुसार आपको ही सी इट और दे लगाना है, सोहन के साथ ही। क्वेश्चन टैग का तीसरा रूप, जब मूल कथन यानी मेन स्टेटमेंट में नो, नोट, नेवर, नन, नो वन, नो वरी, नथिंग, नाइदर, हार्डली, रेयरली, स्केसली, सेल्डम, फ्यू या लिटिल, ये सभी शब्द जो आप देख रहे हैं ये नेगेटिव वर्ड है, क्या है? नकारात्मक शब्द। और अगर नकारात्मक शब्द लग जाएगा मूल कथन में
तो क्वेश्चन टैग आपको पॉजिटिव लगा, लेकिन क्वेश्चन टैग का पैटर्न आपको बताया गया है, तो पैटर्न है क्वेश्चन टैग का हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, इसको बोलेंगे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, और हेल्पिंग वर्ब प्लस एनपी प्लस सब्जेक्ट, इसको बोलेंगे नेगेटिव क्वेश्चन टैग। तो अगर निगेटिव शब्दों का प्रयोग किया पढ़ेगा मेरे कथन में, तब आपको लगाना है पॉजिटिव क्वेश्चन, और अगर इन शब्द का प्रयोग यानी कि नकारात्मक शब्दों का प्रयोग मूल कथन में नहीं रहेगा, यानी मूल कथन अगर पॉजिटिव रहेगा, तब आपको लगाना है निगेटिव क्वेश्चन। ठीक है, जो रूल जो पीछे हुआ है उसमें आपको बताया गया, सबसे पहला रूल क्या था कि अगर मूल कथन पॉजिटिव हो तो निगेटिव क्वेश्चन में, और अगर मूल कथन निगेटिव हो जिसे यहाँ पर देख रहे हैं नकारात्मक मतलब निगेटिव, तो आपको पॉजिटिव क्वेश्चन टैग लगाना है। अब देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल, उसने मेरा काम नहीं किया है। देखिए ग्रामर के लिए भी और ट्रांसलेशन के लिए भी दोनों एक साथ होने जा रहा है। ग्रामर के लिए क्या रखिएगा उसको बताएंगे, अभी ट्रांसलेशन में देखिए, पहले आप बताइएगा मेन स्टेटमेंट, देखिए ये जो नाद का हुआ है यही आपका क्वेश्चन टैग, ठीक है, और बाकी जो आगे का कॉमा के इधर जो बच गया वही आपका क्या है मूल कथन। तो सबसे पहला काम कीजिएगा ट्रांसलेशन अगर आता है क्वेश्चन टैग का, तो सबसे पहले आप मूल कथन को बनाइए, बनाते हैं मूल कथन को, उसने मेरा काम नहीं किया है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए वर्ब क्या है, काम नहीं करना, और उसके अंत में आकर आ है, कौन सा टेंस में आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। अब इसको पहले प्रेजेंट परफेक्ट के अनुसार बनाइए, ही के साथ है, नेगेटिव के लिए नोट, करना का होता है टू, टू का तीसरा टर्न, और मेरा काम तो माई वर्क, ये हो गया मेन स्टेटमेंट मूल कथन। अब हम देख रहे हैं कि मूल कथन में नोट लगा हुआ है, इसका मतलब कौन सा क्वेश्चन पे लगाएंगे, पॉजिटिव क्वेश्चन पे ये लगाएंगे, तो पहले क्या लगाइएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन है इसमें है लगा दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है मी लगा दीजिए, और क्वेश्चन मार्क, यही आपका देखिए है क्या है क्वेश्चन टैग, कौन सा क्वेश्चन टैग है पॉजिटिव क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, तुम ना के बराबर चाय पीते हो, पहले यहां तक बनाते हैं मूल कथन, तो यू आप देखिए पीते हो, अभी ये कौन सा टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में सब्जेक्ट वर्ब का पहला या पद्मा, तो पीना का ड्रिंक, लेकिन चाय पीना में लगता है टे, तो टे और चाय का टी, और ना के बराबर इसका मीनिंग देखिए सेल्डम, ना के बराबर का क्या हो जाएगा सेल्डम, तो यू सेल्डम टेक मी, अब सेल्डम भी देखिए निगेटिव वर्ब लगी, ठीक है, तो आपको लगाना क्या है पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, पहले हेल्पिंग वर्ब, अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, पता लगाइए क्या होगा हेल्पिंग वर्ब, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब लगता है डू या डन, क्या लगता है डू या डन, तो यू के साथ क्या लगेगा टू, और सब्जेक्ट क्या है यू, और ये जो आप लास्ट में देख रहे हैं डू यू, यही आपका क्वेश्चन टैग है, कौन सा क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, क्यों पॉजिटिव क्वेश्चन टैग है, क्योंकि देखिए सिंडम लग गया, सिंडम नकारात्मक शब्द है, तो पॉजिटिव क्वेश्चन टैग का यूज होगा। ये तो हो गया ट्रांसलेशन के लिए, अब देखते हैं ग्रामर में जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा वो क्वेश्चन इस पैटर्न पर पूछा जाएगा इस प्रकार से, कैसा, नो वन हेल्प मी, अभी इधर मूल कथन दिया हुआ रहेगा, खाली स्थान में आपको क्वेश्चन टैग ऐड करना, देखिए कौन सा क्वेश्चन टैग लगेगा, नो वन लगा हुआ है, तो नो वन कौन सा वर्ड हो गया नकारात्मक वर्ड, अभी निगेटिव शब्द, अगर ये निगेटिव शब्द है तो क्या लगाइएगा पॉजिटिव क्वेश्चन टैग, हमको ये देखना पड़ेगा कि डू लगेगा कि डज, हालांकि ऑप्शन में कहीं डज है कि नहीं, तो टेंशन में डू ही लगेगा, अब डू ठीक, नो वन निगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट में जाए, सब्जेक्ट क्या है नो वन, अब ये आगे हम बताएंगे आपको, अभी ये हुआ नहीं है, जब सब्जेक्ट में नो वन रहेगा तो उसका सब्जेक्ट दे में बदल जाता है, इसे बदल जाता है दे में, तो ये रूल आगे हम बताएंगे आपको कि सब्जेक्ट जब नो वन रहेगा तो क्या लगेगा दे, देखिए डू दे जो लगा कौन सा ऑप्शन सही हुआ ऑप्शन सी, ठीक है नोट कीजिए। रूल नंबर चार देखिएगा, अगर मूल कथन का सब्जेक्ट देयर या वन दिस या दैट दीद या दो इन समय से कोई रहेगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या लगाइएगा, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट देखिए अगर मूल कथन में देयर है तो सब्जेक्ट क्वेश्चन टैग का भी देयर ही होगा, मूल कथन का सब्जेक्ट वन है तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट भी वन,
चेंज नहीं होगा, लेकिन दिस या दैट अगर रहता है मूल कथन में, जैसे यहाँ देखिए दिस इज ए चेयर, तो ये मूल कथन है, इसमें दिस आ गया, तब आप सब्जेक्ट क्या लगाइएगा, ए, दैट भी रहेगा तो ये, दिस या दोज रहेगा तो सब्जेक्ट, यानी इतना आपको लगाना है ये, ठीक है। अब इसका पहले आप ट्रांसलेशन के रूप में देख लीजिए, उसके बाद आपको ग्रामेटिकली बताते हैं। यहाँ एक कुर्सी होनी चाहिए ना, तो ये जो ना लगा हुआ है यही क्या है, क्वेश्चन है, तो पहले आप बनाइए मूल कथन को, क्वेश्चन टैग बाद में लगा लेंगे। यहाँ एक कुर्सी होनी चाहिए, इसका क्या बनेगा, इसका बनेगा देयर इज अ चेयर हियर, यहाँ एक कुर्सी होनी चाहिए, यहाँ तक बन गया। अब लगाइए क्वेश्चन टैग, कॉमा दीजिए। अब क्या कहते हैं, क्वेश्चन टैग के दो पैटर्न है, पहले हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एंटी सब्जेक्ट, कब करना है यूज, इसका यूज करेंगे जब निगेटिव मूल कथन होगा तब, और इसका यूज करेंगे जब पॉजिटिव मूल कथन होगा। देखो पॉजिटिव मूल कथन है, अगर पॉजिटिव मूल कथन है तो इसको लगाइए पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन है, ई, उसके बाद एंटी, उसके बाद सब्जेक्ट, मतलब देयर, तो देयर का सब्जेक्ट देयर होगा, तो लगा दीजिए देयर, यही आपका क्वेश्चन है। और आगे देखिए, कोई भी कर सकता है ना, तो ना क्या है, क्वेश्चन पे सबसे पहले बनाइए मूल कथन को, मेन स्टेटमेंट को, कौन है, कोई भी या कर सकता है, तो बनाते हैं कोई भी, इसका मीनिंग होता है वन, कोई भी का क्या होगा वन, उसके बाद सकता है के लिए लगेगा कैन, तो वन कैन, कर करना का टू, और यह का दिस, तो ये आपका देखिए मूल कथन हो गया तैयार। अब आते हैं क्वेश्चन टाइप की, देखो वन कैन डू दिस, ये हो गया पॉजिटिव मूल कथन, तो अब लगाना पड़ेगा आपको निगेटिव क्वेश्चन टैग, जो देखिए ये पैटर्न है, पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब देखिए कौन है, कैन, उसके बाद एंटी, तो हो जाएगा कांट, सब्जेक्ट क्या है देखिए वन, तो वन में सब्जेक्ट वन ही रहेगा, हो गया। तो ये तो हो गया ट्रांसलेशन के रूप में, आप इसको समझ गए। अब अगर आपको ग्रामर में आएगा तो इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव आपका पूछेगा, देखिए एक मेन स्टेटमेंट रहेगा, खाली स्थान देगा, और इसी खाली स्थान में आपको इन चारों क्वेश्चन टैग्स में कोई एक भरना, ठीक है। अब देखो दिस इज चेयर, बच्चा दिस इज चेयर अगर देखते हैं तो ये कैसा कथन है, पॉजिटिव, पॉजिटिव कथन में दूसरा नंबर लगाइए, पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, उसके बाद एंटी और सब्जेक्ट। अब देखिए अगर दिस है तो दिस का सब्जेक्ट इट, तो इट लगाइए, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, बी नंबर। अच्छा एक निगेटिव बीस में देख लीजिए, तो दीज आर नोट पेंस, और यहाँ पे क्वेश्चन टैग लगाना है, ऑप्शन भी देख लेते हैं, ए ऑप्शन है आरंट दी, ऑप्शन बी है आर, ऑप्शन सी है आरंट दे, और ऑप्शन डी है आर दे। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, दी आर नॉट पेंस, यानी अब देखिए ये क्या आ गया, निगेटिव, निगेटिव आ गया, तो क्वेश्चन टैग का पैटर्न आपका ये हो गया। अब देखिए क्या है क्वेश्चन टैग का पैटर्न, पहले हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन है आर, उसके बाद सब्जेक्ट, देखिए दी, दी का सब्जेक्ट क्या होता है दे, तो आप लगाइएगा यहाँ पे दे, कौन सा ऑप्शन सही है, तीन नंबर, क्लियर, नोट। रूल नंबर पांच अब देखिएगा, जब मूल कथन में वन दिस या दैट, दीज या दो, जैसा अभी देख रहे थे रूल नंबर चार में, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर आएगा, ये जो वन है, दिस या दैट है, दीज या दो है, इसका प्रयोग एडजेक्टिव की तरफ करना, दिस वन दैट दी दो, इसके बाद कोई नाउन लगा हुआ है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए वन है, वन के बाद बॉय नाउन है, दैट है, दैट के बाद वोमैन भी क्या है नाउन है, तो हम बोल सकते हैं कि वन और ये जो दैट आया हुआ है इसका उपयोग किस तरह से हो रहा है, एडजेक्टिव की तरह। अगर एडजेक्टिव की तरह होगा तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट लगाएंगे क्या, क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट नाउन जो दिया हुआ रहेगा, जैसे बॉय है, वोमैन है, या कोई भी नाउन रहेगा, उसी के अनुसार आपको ही, सी, इट या दे लगाना है। फिर से देखिए वन बॉय कैन लिफ्ट इट,
अब देखिए ये जो स्टेटमेंट है वन बाय टेन लीफ पीच किसमें है, पॉजिटिव में, और अगर ये पॉजिटिव है तो पैटर्न में क्या होगा क्वेश्चन टाइप का, नेगेटिव। तो पहले हेल्पिंग वर्ब लगाइए, हेल्पिंग वर्ब क्या है, कैन, तो जाएगा कैन। उसके बाद ईएनटी, तो जाएगा कान। तो ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब प्लस ईएनटी, फिर क्या है देखिए सब्जेक्ट। अब लगाइए सब्जेक्ट, अगर वन के बाद नाउन रहे तो क्वेश्चन टाइप का जो सब्जेक्ट होगा वो नाउन के अनुसार ही सीट या दे में से कोई एक। अब देखिए Y के साथ कौन सा फिट बैठेगा, वन गलत, वन गलत, ही और दे में से, तो दे भी गलत ही सही होगा, क्यों ही हुआ, क्योंकि Y सिंगुलर। तो यहाँ पर देखिए कांट भी आपका सही हो गया ऑप्शन सी। फिर देखिए दैट वुमन हैज नो सेंस, अभी देखिए ये जो नो लगा हुआ है इसका मतलब ये पूरा स्टेटमेंट क्या हो गया निगेटिव। अगर निगेटिव स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव लगेगा, क्या लगेगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट, अब फिर देखिए अगर दैट के बाद भी कोई नाउन हो तो सब्जेक्ट नाउन के अनुसार ही सी ईटी या दे में से कोई एक होगा। वुमन औरत एक वचन है, लड़की है तो आपको सी लगाना। अब देखिए कौन सा सही होगा ऑप्शन डी, हाइजेंट सी कब होगा, जब ये नो नहीं रहेगा तब आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। और नो लगा हुआ है तो फिर ये सही होगा, ईट तो लगेगा नहीं, ईट लगेगा नहीं। तो याद रखिएगा अगर मूल कथन का सब्जेक्ट वन दिस डाइट दीज डोज है और इसके बाद कोई एडजेक्टिव है तो आपको क्वेश्चन टाइप का सब्जेक्ट नाउन के अनुसार ही सी ईट या दे में से कोई एक देना, ठीक है, नोट कीजिए यहाँ तक। अगला रूल क्या है, जब मूल कथन के सब्जेक्ट के रूप में एनी या फिर सम, एवरी या नो और ये सब के साथ और इसके बाद या तो वडी लगा हुआ रहेगा या तो वनी, एनी वडी, सम वडी, एवरी वडी, नो वडी या फिर एनी वन, सम वन, एवरी वन, नो वन, इस प्रकार से आएगा। और अगर ऐसा होता है तो आप क्वेश्चन टाइप का जो सब्जेक्ट लगाते हैं उसमें आपको दे लगाना पड़ेगा हर एक बार, लेकिन आप ध्यान रखिएगा एनी सम एवरी नो इसके बाद वडी या तो वन जुड़ा हुआ होना चाहिए। जैसे देखिए एग्जांपल, एनी के साथ वडी जुड़ा हुआ है, एवरी के साथ भी वन जुड़ा हुआ है, अब इसका मतलब अब सीओ नहीं है कि सब्जेक्ट में क्या लगाना है, दे लगाना है। तो अब बनाते हैं एनी वडी कैन डिफीट मी, क्या लगेगा क्वेश्चन टैग यहाँ पे। तो सबसे पहले आप इस मूल कथन को देखिए, अगर पॉजिटिव मूल कथन है तो आपको निगेटिव क्वेश्चन टैग लगाना, निगेटिव क्वेश्चन टैग ये नंबर टू है, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर एनटी फिर सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट का तो चर्चा हो ही गया दे लगाना है, लेकिन अब आगे का पैटर्न देखिए हेल्पिंग वर्ब एनटी, हेल्पिंग वर्ब कौन है कैन, तो जाएगा कैन और फिर एनटी लगेगा तो कान और सब्जेक्ट आपको लगाना है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है सी नंबर है। अब उसी प्रकार से अगला देखते हैं एग्जाम्पल, एवरी वन नोज मी, तो इसके बारे में तो चर्चा हो ही गया है कि अगर एवरी के बाद वन है तो आपका क्वेश्चन टैग का जो सब्जेक्ट है वो दे लगेगा, तो सब्जेक्ट के लिए दे वाला लगेगा, लेकिन दे वाला देखिए तीन तीन ऑप्शन है, अब कौन सा सही होगा। देखिए एवरी वन नोज मी कैसा मूल कथन है, पॉजिटिव, फिर से निगेटिव क्वेश्चन टैग, हेल्पिंग वर्ब एनटी। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन लगेगा, नोज, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नोज जो है वर्ब का पांचवा रूप है और वर्ब का पांचवा रूप आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस में, किसमें आएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होगा या तो डू या तो डज, या तो डू या तो डज। अब ये दोनों हेल्पिंग वर्ब से डू भी लगा हुआ है डज भी लगा हुआ, फिर और कंफ्यूजन है, दे वाला तो तीन तीन गोल था तो ठीक है, डू और डज वाला भी सब है, तो इसको और क्लियर कीजिए, डू कब लगेगा जब प्लुरल होगा, डज कब लगेगा जब सिंगुलर होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए सब्जेक्ट क्या लगाना है, दे, तो दे सिंगुलर है कि प्लुरल, प्लुरल में क्या लगेगा डू, तो लगा दीजिए ऑप्शन ए सही, डोंट दे, डू हो गया हेल्पिंग वर्ब, फिर एनटी और सब्जेक्ट क्या लगाना है एवरीवन के साथ, क्लियर, नोट कीजिए। चलिए सातवां रूल देखिएगा, जब मूल कथन का सब्जेक्ट एनी एवरी सम वन और इसके बाद फिर थिंक लगा हुआ होना चाहिए। अभी देखिए रूल नंबर छह में क्या था, एनी एवरी सम और वन के साथ बडी या वन लगा हुआ अनि एवरी बडी एवरी वन सम वन इस प्रकार से, लेकिन अब क्या रहेगा देखिए एनी के साथ थिंक तो क्या बन जाएगा एनी थिंग एवरी थिंग सम थिंग वन थिंग, अगर ऐसा रहता है तो क्वेश्चन टाइप का ये जो सब्जेक्ट है वो आपको एक लगाना है। जैसे यहाँ देखिए एग्जाम्पल,
सम के साथ थीम, एवरी के साथ भी थिंक लगा हुआ है, तो सब्जेक्ट क्या लगेगा? सब्जेक्ट इट लगेगा यहाँ भी और यहाँ भी। अब देखिए जो चार ऑप्शन है, समथिंग वाला तो खत्म होगा ही नहीं, दे वाला भी खत्म, अब इसमें तो सोचना ही नहीं, लगा दीजिए पेंट। अब क्या ऐसा हुआ देखिए, आगे का जो मूल कथन है वो पॉजिटिव, और पॉजिटिव मूल कथन में आपका लगेगा निगेटिव क्वेश्चन टैग, यानी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब कई वहां से लगा है, उसके बाद एनटी लगा और सब्जेक्ट इट लगाना। फिर यहाँ पे देखिए एवरीथिंग इज अनस्टेबल हियर, इट तो लग ही गया है सब्जेक्ट, अच्छा इट वाला देखिए तो भविष्य दोनों में से कोई ढूंढ लीजिए तो लगेगा ही नहीं। एवरीथिंग इज अनस्टेबल हियर, ये देखिए पॉजिटिव है, पॉजिटिव में निगेटिव क्वेश्चन टैग, निगेटिव वाला। आठवां रूल देखिएगा, जब मूल कथन के सब्जेक्ट रूप में दो दो प्रोनाउन, कितना दो, और दोनों प्रोनाउन ऑफ से जुड़ा हुआ रहेगा, तो क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट का डिसीजन कौन लेगा? ऑफ के बाद वाला प्रोनाउन। देखिए हम में से सब जाने को तैयार हैं ना, अब अगर यहां पर आप देखिएगा हम में से सब का पहले आप देखिए, इसका होगा ऑल ऑफ अस, क्या होगा ऑल ऑफ अस, इसका देखिए तुम में से हर आदमी, हर आदमी का होगा एवरी बॉडी, में से का ऑफ लगेगा जैसे यहां पे लगा, और तुम में यू। अब देखिए ऑल ऑफ अस, एवरी बॉडी, ऑफ यू, ये भी प्रोनाउन, ये भी प्रोनाउन, ऑल भी प्रोनाउन, अस भी प्रोनाउन, तो दो प्रोनाउन ऑफ से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट आप क्या लगाइएगा? जो बाद वाला प्रोनाउन है, ऑफ के बाद वाला प्रोनाउन है, उसके अनुसार लगाइएगा, बाकी देखते पहले बना करके। ऑल ऑफ अस जाने को तैयार है, यानी आ लगा दीजिए, उसके बाद तैयार का रेडी, जाने को टू गो, तो ये बन गया हम में से सब जाने को तैयार है। अब क्वेश्चन टैग लगाइए, क्वेश्चन टैग ना का मीनिंग, अब पहले देखिए मूल कथन को देखिए, अगर पॉजिटिव मूल कथन है तो निगेटिव क्वेश्चन टैग, निगेटिव क्वेश्चन टैग में क्या लगेगा? पहले हेल्पिंग वर्ब आर, उसके बाद एनटी और उसके बाद सब्जेक्ट। अब क्वेश्चन टैग का सब्जेक्ट क्या देना है? ऑफ के बाद वाला प्रोनाउन क्या है? ऑफ के बाद अस, और अस का सब्जेक्ट देना है, तो अस का सब्जेक्ट बी होगा, ये ऑब्जेक्टिव केस में है, देना है सब्जेक्ट। ये देखिए आरंट वी जो लग गया वही आपका क्या है? क्वेश्चन टैग से। और देखिए तुम में से हर आदमी, यहां तक तो वही गया, अंग्रेजी में कमजोर हो, देखो यू के साथ क्या लग जाएगा? आर, कमजोर, वीक, इंग्लिश में इन इंग्लिश, तो ये तो यहां तक हो गया, तुम में से हर आदमी अंग्रेजी में कमजोर हो, क्वेश्चन टैग लगाते हैं ना। अब देखिए एवरीबॉडी ऑफ यू आर वीक इन इंग्लिश, यानी मूल कथन पॉजिटिव है तो निगेटिव क्वेश्चन टैग, निगेटिव क्वेश्चन टैग में पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर एंटी और सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या देना है? ऑफ के बाद वाला प्रोनाउन, ऑफ के बाद में प्रोनाउन क्या है? यू, तो यू का सब्जेक्ट यू ही रह जाएगा, तो आरंट यू, यही आपका क्वेश्चन टैग होगा, क्लियर, नोट कीजिए इसको। रूल नंबर 9 देखिएगा, जब मूल कथन में अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब क्या हो गया? वैसा सेंटेंस जिससे आदेश, सलाह, मनाहट, ये सभी का बोध होगा, उसको क्या बोलेंगे? इंपरेटिव सेंटेंस। अगर इंपरेटिव सेंटेंस से सलाह या अनुरोध का बोध होगा, ध्यान दीजिएगा, इंपरेटिव सेंटेंस भी कैसा होना चाहिए? अफर्मेटिव वाला। अभी देखिए इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में बता रहे थे कि इंपरेटिव सेंटेंस से सलाह, अनुरोध या मनाहट का बोध होगा, जब मनाहट का बोध होगा तो वो निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस होता है, क्या होगा? निगेटिव इंपरेटिव सेंटेंस, जैसे वहां मत जाओ तो मना कर रहा है, मतलब क्या हो गया? निगेटिव। लेकिन यहां पर बात हो रहा है अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस का, जैसे वहां मत जाओ नहीं बोल करके बोलेंगे, वहां जाओ, तो ये क्या हो गया? अफर्मेटिव। और जब अफर्मेटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग के रूप में आप पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी क्वेश्चन टैग लगा सकते हैं, ठीक है, समझिएगा बात को। अगर मूल कथन इंपरेटिव सेंटेंस हो और इंपरेटिव भी अफर्मेटिव यानी असर्टिव होना चाहिए, तब वहां पर आप कोई भी क्वेश्चन टैग लगा सकते हैं, कौन सा क्वेश्चन टैग? पॉजिटिव या निगेटिव। और उस क्वेश्चन टैग के रूप में आपको वॉन्ट यू या फिर विल यू लगाना है, समझिए बात को। जब मूल कथन में अफर्मेटिव इंपरेटिव सेंटेंस से सलाह या अनुरोध का बोध हो तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी हो सकता है, निगेटिव क्वेश्चन टैग के रूप में आपको वॉन्ट यू लगाना है,
और पॉजिटिव क्वेश्चन टाइप के रूप में आपको विल यू लगाना। जैसे एग्जांपल देखिए, वहां जाओ, ये क्या हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन टाइप लगाइए ना, वहां जाओ ना, ये क्या हो गया आदेश दे रहा है। अगर आदेश दे रहा तो ये इंपरेटिव है। कैसा इंपरेटिव है? अफर्मेटिव। लेकिन अगर वैसा रहे, एग्जांपल दूसरा देखिए, वहां मत जाओ ना, तो ये भी देखिए एक इंपरेटिव सेंटेंस है। लेकिन इस इंपरेटिव सेंटेंस में मत आने से क्या हो गया, वो निगेटिव, मना कर रहा हूं मत जाओ। तो अगर मूल कथन निगेटिव इंपरेटिव रहेगा तो क्वेश्चन टैग हमेशा पॉजिटिव यानी विल यू ही देना है। देखिए अफर्मेटिव में आप फ्री हैं, जो मर्जी है वो लगा लीजिए, विल यू या वांट यू। लेकिन अगर निगेटिव आ गया मूल कथन तो आप फ्री नहीं है, आपको हमेशा एक ही चीज लगाना है विल यू। क्या लगाना है? विल यू क्वेश्चन टैग में। और सब्जेक्ट उबजेक्ट भी चुनने का झंझट खत्म, विल यू वांट यू लगा लीजिए बस। देखिए जैसे वहां जाओ, पहले इसको बना लीजिए, वहां जाओ का क्या होगा वो देखो। आपको इंपरेटिव सेंटेंस पहले ही बता दिया गया है बनाने के लिए। इंपरेटिव सेंटेंस कैसे बनाइएगा? तीन तरीके से। पहले भर्ब का पहला रूप फिर ऑब्जेक्ट। दूसरा तरीका क्या है? जब मत बना रहेगा मनाहट बना तो डोंट से, और अनुरोध और सलाह अनुरोध का बोध होगा तो प्लीज या काइंडनेस। तो ये तीन तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस शुरू होता है। लेकिन अभी देखिए ये पीवी वन और ये ऑब्जेक्ट, ये आपका बन गया इंपरेटिव सेंटेंस। अब ना लगाइए तो ना का क्या लगा दीजिएगा? अगर आप विल यू लगाते हैं तो भी सही, आप वांट यू लगा देते हैं तो भी सही, दोनों में से कोई भी लगाइए सही है। ठीक है, गो देयर वांट यू, गो देयर विल यू, दोनों सही है। ठीक है, उसी प्रकार से और एग्जांपल एक देख लीजिए। जैसे दिया हुआ है रीड योर बुक, अपनी किताब पढ़ो, तो अपनी किताब पढ़ो या तो सलाह दे रहा है या तो आदेश दे रहा है। अब हम क्या करेंगे, अब इसमें हम बाउंड यू भी लगा सकते हैं या फिर विल यू भी लगा सकते हैं, दोनों के लिए आप फ्री है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ, यहाँ पर अफर्मेटिव होना चाहिए, असर्टिव होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखिए वहां मत जाओ तो क्या बनेगा? डोंट गो देयर। देखिए डोंट से समझिए, डोंट मतलब क्या हुआ, निगेटिव हुआ कि नहीं, और अगर निगेटिव है तो आपको हमेशा क्या लगाना है? विल यू। अगर आप इसमें बाउंड यू लगा दीजिएगा तो हो जाएगा गलत। ठीक है, तो निगेटिव में हमेशा रखिएगा विल यू ही लगाने से। और भी देख लीजिए, जैसे डोंट हेल्प देम, उनकी सहायता नहीं करो, अब क्या लगाना पड़ेगा? विल यू, उसकी सहायता नहीं करो ना, हो गया। तो इस प्रकार से याद रखिएगा, नो और दस दोनों को एक बार समझ लीजिएगा। पॉजिटिव रहेगा तो आप पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी डाल सकते हैं, नेगेटिव रहेगा तो केवल आपको पॉजिटिव क्वेश्चन टाइप डालना। ठीक है, नोट करिए दोनों रूल को एक साथ। रूल नंबर 11 देखिएगा, जब पॉजिटिव इंपरेटिव से डांट या फटकार का बोध होगा तब वहां पर हम क्वेश्चन टैग्स के रूप में कांट यू का प्रयोग करेंगे। जैसे चुप रहो डांट रहा है, खड़े हो जाओ डांट रहा है, तो डांट या फटकार का बोध होगा तब ये जो ना लगा हुआ है क्वेश्चन टैग, इसका मीनिंग क्या दीजिएगा? कांट यू। इसे देखिए, चुप रहो तो क्या हो जाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस बनाने के लिए पहले वर्ब का पहला रूप चुप रहो, तो पूरा का पूरा वर्ब ही है, तो कीप साइलेंट या कीप क्वाइट भी लिख सकते हैं। उसके बाद क्या लगाना है आपको? कांट यू। तो यही आपका देखिए क्वेश्चन टैग है। उसके बाद खड़े हो जाओ क्या होगा? स्टैंड अप, और फिर कांट यू। तो जब भी इंपरेटिव सेंटेंस से डांट या फटकार का बोध होगा तब आपको क्वेश्चन टैग के रूप में कांट यू लगा देना। ठीक है, और देखिए रूल नंबर 12, अगर मूल कथन में यूज्ड टू का प्रयोग किया हुआ रहेगा, ध्यान दीजिएगा, अगर मूल कथन में किसका प्रयोग रहेगा? यूज्ड टू का, तब आपको क्वेश्चन टैग में यूज्ड या डिड दोनों में से किसी का भी प्रयोग करना होगा, या तो यूज्ड का कीजिए या तो डिड का कीजिए। तो यूज्ड टू का मीनिंग क्या होगा? यूज्ड टू का मीनिंग होगा करते थे, क्या करते थे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, तुम रोज यहां आया करते थे, पढ़ा करते थे, इसी का मीनिंग यूज्ड टू होगा। बढ़ाइए, तुम रोज यहां आया करते थे, तो यू यूज्ड टू कम हेयर डेली। देखो सब्जेक्ट यू, करते थे का यूज्ड टू, और फिर आना का कम, यहां का ऑब्जेक्ट है और रोज का डेली। अब आप क्वेश्चन टैग लगाइएगा, देखिए ये कौन सा पॉजिटिव मूल कथन है, पॉजिटिव मूल कथन में निगेटिव क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग के रूप में आप यूज्ड भी लगा सकते हैं, तो यूज्ड
फिर एनटी, यू डेंट और यू, या फिर आप डिड लगा सकते तो डिडंट यू, दोनों सही है। ठीक है, यू डेंट यू या डिडंट यू, यूज्ड भी लगा सकते हैं, डिड भी लगा सकते हैं। फिर देखिए, हम लोग स्कूल में पढ़ा करते थे, क्या बनेगा, बी यूज्ड टू पढ़ना का रीड इन स्कूल। उसके बाद ना का मीनिंग यानी क्वेश्चन टाइप क्या लगाइएगा, या तो यूज्ड या तो डिड, तो लगा दीजिए डिड। फिर पॉजिटिव है तो एनटी और सब्जेक्ट क्या है वी, तो वी लगा दीजिए। डिडंट भी, यहां पर यूजेंट भी लगाएगा तो भी सही। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन टाइप पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन टाइप में ये 12 का 12 रूल आप याद रखिए, और उसके बाद जो भी ऑब्जेक्टिव या प्रश्न आता है वो बनाइए। ठीक है।